सो OnePlus 9RT, मुझे पता है कि आप लोग इस स्मार्टफोन की कितनी ज़्यादा वेट कर रहे हो, और ये जो वेट है ना, जब से चाइना में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है OnePlus 9RT, तब से आपकी वेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। खैर वेट तो कर ही रहे हैं लोग, साथ में इसकी जो हाइप है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिएट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने नहीं देखा कभी इतनी ज़्यादा जो है हाइप जो है किसी और स्मार्टफोन की हो, जैसे कि किसी आईफोन की नहीं मैंने इतनी हाइप देखी जितनी अभी OnePlus 9RT की हाइप देखने को मिल रही है। खैर अनरियल बोलूँगा इस चीज़ को मैं, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए ना मैं काफ़ी सारी डिटेल्स लेकर आया हूँ OnePlus 9RT के रिलेटेड। इसके लॉन्च के बारे में डिटेल्स है, जी हाँ दोस्तों ऑलमोस्ट 90% डिटेल जो है कन्फर्म्ड है कि जो लॉन्च डेट मैं इसकी आपको बताऊंगा ना आगे वीडियो में वही रहने वाली है, और उसी पर्टिकुलर डेट को ही हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा इंडिया में। इसके अलावा इसके स्पेसिफिकेशंस जो इंडियन वेरिएंट में होने वाले हैं वो चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे मेन पार्ट इसकी प्राइसिंग, जी हाँ दोस्तों इसके प्राइसिंग के बारे में भी हमारे पास में ऑलमोस्ट 92-95% डिटेल जो है कन्फर्म्ड आ चुकी है, तो वो चीज़ें भी हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं OnePlus 9RT स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन से, जो कि हम लोग आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ जो है मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन था उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। खैर अगर आप लोगों ने इसके स्पेसिफिकेशन पर जो वीडियो है नहीं देखी अभी तक, देन उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने OnePlus 9RT और OnePlus Note 2 पर एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग कंफ्यूज्ड है कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा आपके लिए, देन उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके जो है वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग आते हैं हमारी डिटेल्स पे, जो हमें डिटेल्स आई हैं हमारे पास में OnePlus 9RT के रिलेटेड। तो सबसे पहले है जो डिटेल निकल कर आई है वो इसके नाम से रिलेटेड निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, जो OnePlus 9RT है ये इंडिया में OnePlus 9RT के नाम से नहीं लॉन्च होगा, बल्कि इंडिया में ये आएगा OnePlus RT के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, ये चीज़ तो मैं 99% कह सकता हूँ कि ये कंफर्म हो चुकी है। सिर्फ 1% चांस है कि हमें RT नाम नहीं मिलेगा, 9RT मिलेगा, लेकिन 99% यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि हमें यहाँ पर OnePlus RT के नाम से ये फ़ोन जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझ नहीं लगी है कि इन्होंने इस स्मार्टफोन को 9 सीरीज़ का पार्ट ही निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने RT नाम रखा है, मीन्स इन्होंने ये जो स्मार्टफोन है 9 सीरीज से ही निकाल दिया और इसका जो अलग से ही सीरीज शुरू कर दी RT के नाम से। खैर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज सी लगी कि इन्होंने 9 सीरीज में से स्मार्टफोन क्यों निकाला और एक अलग से सीरीज क्यों शुरू कर रहे हैं। खैर देखने लायक होगा, बाकी नाम के मामले में यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको 9RT देखने को मिलता है चाइना में, लेकिन इंडिया में RT के नाम से ये देखने को मिलेगा। खैर इसके अलावा आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि OnePlus के रिलेटेड आप लोगों को प्रोडक्ट रिव्यूज़ और प्रोडक्ट के ओपिनियंस और साथ में अगर आपको न्यूज़ वगैरह के साथ में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं ना, देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं OnePlus के रिलेटेड और अदर कंपनीज के रिलेटेड जो वीडियोज़ वगैरह है ना वो मैं लगातार लेकर आता रहता हूँ। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली डिटेल की तरफ, जो कि हमारे पास में रिसेंटली ही निकल कर आई है। खैर यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो OnePlus RT जो स्मार्टफोन है वो सपोर्ट किया गया है गूगल के प्ले स्टोर पे, जो सपोर्टेड डिवाइसेस की लिस्ट होती है ना वहाँ पे। खैर ये चीज़ की जो डिटेल्स है मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दी थी, जो कि मैंने बनाई थी अपकमिंग स्मार्टफोन शॉप December 2021, उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो OnePlus RT स्मार्टफोन है वो सपोर्ट किया गया है गूगल के प्ले स्टोर सपोर्टेड डिवाइसेस की लिस्ट में। खैर ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अमेजोन ने तो नेक्स्ट लेवल ही चीज़ कर दी। अमेजोन ने तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन को प्रमोट भी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल की सर्च कंसोल पर अगर आप देखते थे ना, अगर आप सर्च करते थे OnePlus 9RT, देन वहाँ पे टॉप रिजल्ट आता था अमेजोन का, जो कि प्रोडक्ट लिंक होता था। जी हाँ दोस्तों, गूगल की जो सर्च रिजल्ट होती है ना वहाँ पर इन्होंने ऐड लगा दी थी और इनका प्रोडक्ट का लिंक आने स्टार्ट हो गया था। खैर ये चीज़ मुझे नहीं पता कि इन्होंने पर्पसली करी है या फिर जानबूझकर करी है या फिर मिस्टेकनली हो गई है, लेकिन मिस्टेकनली तो नहीं लगती है कि कोई और प्रोडक्ट प्रमोट करना था और गलती से ये वाला हो गया, ये चीज़ तो नहीं लगती है। जानबूझकर जरूर लगती है ताकि स्मार्टफोन की हाइप क्रिएट करी जा सके, ताकि स्मार्टफोन को टीज किया जा सके और लोगों को पता चले और लोगों में जो है हाइप क्रिएट हो, ताकि जैसे ही स्मार्टफोन लॉन्च हो और इसकी सेल स्टार्ट हो जाए। खैर
ये चीज तो डिफरेंट चीज है। इसके अलावा ये जो दोनों चीजें है ना, इसका लॉन्च जो है कंफर्म नहीं कर देती है, लेकिन हमारे पास में इसकी लॉन्च डेट भी है। तो जो इसकी जो लॉन्च डेट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे OnePlus RT के लॉन्च के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो बात करें इसके लॉन्च के बारे में, यानी कि OnePlus RT के इंडिया लॉन्च के बारे में, देन जो डिटेल्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्मार्टफोन है वो हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दिसंबर में ही जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट डेट भी बताता हूँ, लेकिन पूरी बात यहाँ पर सुन लीजिए। खैर, हमारे पास जो पहले डिटेल्स आई थी उनके अकॉर्डिंग वो लीक्स कहती थी कि हमें ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में दिवाली पर देखने को मिल सकता है, लेकिन दिवाली पर नहीं देखने को मिला और इवन पूरा नवंबर ही निकल गया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट लीक्स निकल कर आई है ना, वो हमेशा की तरह इस बार भी रिलायबल सोर्स की तरफ से निकल कर आई हैं। तो उनका मानना है कि हमें जो OnePlus RT स्मार्टफोन है वो इंडिया में 16 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो तो यही कहती है कि हमें 16 दिसंबर को स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, और इस चीज़ पर मैं 80-90% कन्फर्म भी हूँ कि हमें ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में 16 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। खैर, बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में भी। तो इसका जो प्राइस है वो 40,000 से अभी मुझे लग रहा है कि अबव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले मुझे 40,000 पर इसीलिए लग रहा था क्योंकि पहले कोई भी OnePlus Note 2 पैकमैन एडिशन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अभी वो स्मार्टफोन आ गया है, तो यहाँ पर 38,000 का वो देखने को मिल रहा है, तो उसकी जो सेल है यहाँ पर इस स्मार्टफोन से अफेक्ट हो सकती है, तो इसीलिए ये जो स्मार्टफोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मुझे लगता है कि हाँ 40,000 के अबव तो रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि 41,000 या 42,000 के अराउंड हमें इसका जो बेस वेरिएंट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ये स्मार्टफोन 40,000 का आएगा, देन कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन यहाँ पर OnePlus Note 2 पैकमैन एडिशन जो है बाय करेगा। उसकी जो सेल है वो बुरी तरह से अफेक्ट होगी और कोई भी उस स्मार्टफोन की तरफ नहीं जाएगा, और सभी लोग जो है OnePlus RT के तरफ ही भागेंगे। खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी देखते हैं कि OnePlus क्या करती है, और जब लॉन्च होगा उसी के बाद ही हमारे पास में प्राइसिंग डिटेल जो है कंफर्म होंगी। लेकिन एक चीज़ और है कि इसका जो टॉप मॉडल होगा ना 12GB और 256GB वाला, वो तो डेफिनेटली भैया 50 के अराउंड जाने वाला है, तो उसका जो प्राइस है वो तो काफ़ी हाई रहने वाला है। लेकिन बेस वेरिएंट जो है वो हमें 41,000 या 42,000 के अराउंड देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कि इसका प्राइसिंग क्या हो सकती है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और एक चीज़ और बताइएगा कि क्या आप लोग सच में OnePlus RT की इंडिया में वेट कर रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी कुछ बातें OnePlus RT स्मार्टफोन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा अभी गला बैठ गया है बोल बोल कर, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये ठीक होगा एक दो दिन। तो भाई मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो लेकर आऊँ वो और भी एनर्जेटिक हो और आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगे। तो इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़।